Hello friends, how are you all? I know you all are doing very well. So guys, जैसे कि हम लोग न्यूज़ से ना खुद को एक दूसरे को अपडेटेड रख ही रहे हैं, जैसे कि आपने अगर आज की न्यूज़ देखी होगी तो उसमें टोटल इंडिया में 1251 केसेस हैं। तो हम लोगों को क्या लगा रहा था कि मतलब सिचुएशन अंडर कंट्रोल, अब तो और केसेस आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया भी था लास्ट वाली वीडियो में अपनी, कि मतलब हमारे एरिया में क्या है, लोगों को क्या लग रहा है कि एक भी कोरोना का केस नहीं है, तो हम लोग मतलब क्या है अब नॉर्मली उठ बैठ सकते हैं। सभी की बात नहीं कर रही मैं, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ क्योंकि अब लोग रिलैक्स हैं। लेकिन देखिए अब केसेस बढ़ रहे हैं ना, तो अगर आप थोड़ा सा भी आप ढील छोड़ेंगे तो केसेस ड्रास्टिकली बढ़ेंगे। तो आप प्लीज़, जब हमने इतने दिन वेट किया है घर में हम लोग रहे हैं ना, तो आप थोड़े दिन और वेट कर लीजिए। एटलीस्ट जब तक गाइडलाइंस आप लोगों को दी गई है ना, तब तक तो पेशेंस रखिए और मोटिवेटेड रहिए, दूसरों को भी मोटिवेट करिए। क्योंकि हम लोग जब मोटिवेट करते हैं तो लोग मान लेते हैं, आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं वही आपको अपनी फैमिली के लिए इस इन डेज को मतलब जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करना ही पड़ेगा, अगर आपको अपनी फैमिली से थोड़ा सा भी प्यार है। तो चलिए गाइस, आज के डिज़ाइन की ही बात कर लेते हैं। देखिए अभी सुबह मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक बहुत ही सुंदर सा, जिसे मैं क्या बोला था, मैंने इसको टिक्की बोला था, वो बना कर मतलब एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन हम मैंने अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो जाइए देखिए। उसी को ही बेस बना के हम ये राउंड पैटर्न्स बेस अब डिज़ाइंस बना रहे हैं। अब देखिए मैंने ये वाला फ्लावर ड्रॉ किया, हमने क्या किया टेप की हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ किया है और फिर हमने ये डॉट डॉट करके डॉट्स को हमने मैच स्टिक की हेल्प से टीयर ड्रॉप एलिमेंट में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है, मैंने ये ट्रिक आपको पहले भी कराई, आपने वो वाली वीडियो भी नहीं देखी तो आप जाइए देखिए, लिंक जो आई बटन में है। अब देखिए फिर हमने क्या किया, अंदर एक डिफरेंट एक अच्छा सा पैटर्न ड्रॉ किया है जिसमें हमने एक फ्लोरल बना के उसके ऊपर जो पत्तियाँ हैं वो बनाई हैं। अब देखिए क्योंकि होता क्या है कि जो भी हम हैंड पे ड्रॉ करते हैं उसी को ही बेस बनाकर हम फिंगर्स पे ड्रॉ करते हैं, तो हमने वो जो पत्तियाँ हैंड पे बनाई हैं सर्कल के अंदर वही पत्तियाँ हम अब फिंगर्स पे बना रहे हैं। देखिए अब देखिए हैंड पे तो हमने ये टीयर ड्रॉप एलिमेंट भी बनाया है, अब वो भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये पत्तियाँ ज़्यादा सुंदर लग रही हैं तो मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। मैंने क्या किया ये मतलब ये पैटर्न की दो लाइंस ली है, आपकी मर्ज़ी। आप मैं वही तो कहती हूँ हर बार आप लोगों को कि हमारी जो हर एक इंसान का हैंड का साइज़ डिफरेंट होता है, तो जब आप लगाते हैं तो वो आपको देखना है कि आपको कैसे कितना बड़ा कितना एलिमेंट लेना है, वो आप जब लगाने लग जाओगे ना तो आप लोगों को आ ही जाएगा। तो अब देखिए वही हमने सारा बना लिया और जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कंप्लीट करने के बाद ही आपको आउटलाइन करनी होती है। और गाइस होता क्या है कि मैं बार बार आपको याद दिलाऊंगी कि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखिए वो एक्चुअली क्या था कि लाइट चली गई थी, मैं डे लाइट में ही शूट कर रही थी, अब लाइट आ गई तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है। देखिए मेरा क्या था कि मतलब स्टडीज़ के मतलब ड्यूरिंग स्टडीज़ हम लोग बहुत बिजी हो जाते हैं तो मैं बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करती थी, मैं सिर्फ करवा चौथ पे मतलब 2-3 दिन पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेती थी। और हम लोग मैं तो करवा चौथ पे ही लगाती हूँ क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन अभी तक तो नहीं है, बस मुझे शौक़ है मेहंदी लगाने का। और अब देखिए हमने जो पहले वाला सर्कल ड्रॉ किया, मैंने यही सोचा है कि मैं आपको ना एक ही बार में 2 या 3 एलिमेंट्स प्रोवाइड कर सकूँ उसकी वेरिएशंस, तो मैंने पहले वाला सर्कल ड्रॉ किया था उसे रब करके, अब मैं सेकंड वाला आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। वही वाला सेम पैटर्न जो हमने फर्स्ट सर्कल में अभी ड्रॉ किया ना वही कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं, सर्कल ड्रॉ किया हमने और फिर डॉट्स एलिमेंट्स को हम मैच स्टिक की हेल्प से टीयर ड्रॉप एलिमेंट में चेंज कर लेंगे। पिछले वाले में हमने क्या किया है कि बाहर तो हमने टीयर ड्रॉप एलिमेंट किया है मतलब सर्कल के, और जो इसकी इनर लेयर है उसमें हमने ये पत्तियाँ जो ड्रॉ की थी, ठीक है। अब इस वाले में हम क्या करेंगे, जो हमने ये टीयर ड्रॉप एलिमेंट बाहर बनाया अंदर भी क्या करेंगे, सर्कल डाल के उसके चारों तरफ डॉट्स डाल के और फिर उन डॉट्स को ड्रैग करके अंदर की तरफ ले जाएंगे और फिर अंदर भी हम टीयर ड्रॉप एलिमेंट ही बनाएंगे, जैसे कि आप देखेंगे अभी। हाँ पहले फिर इसकी हम आउटलाइन भी कर रहे हैं, सॉरी आप थिक वाली भी आउटलाइन कर सकते हैं, मैंने पतले वाली की है। तो देखिए हम इसका अब सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं एक, और सर्कल के चारों तरफ हम लोग डॉट्स डॉट्स डाल के और उनको क्या करेंगे मैच स्टिक की हेल्प से अंदर की तरफ ड्रैग करके ले आएंगे और इसको सर्कल को हम फिल कर देंगे। अब देखिए ये सर्कल हो गया कम्प्लीट, हम थर्ड वाला पैटर्न प्रैक्टिस कर रहे हैं एक ही हैंड पे। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए जो मैंने फर्स्ट सर्कल अभी आपको सिखाया था उसके अंदर जो पैटर्न हमने ड्रॉ किया था ना वही पैटर्न हम इस वाले पे ड्रॉ करेंगे अभी
आउटर लेयर में, जिससे क्या होगा कि आपको ना वेरिएशंस पता लगेगी। और मैं बार बार बोलती हूँ कि जो जो वेरिएशंस या जो जो टिप्स मैं आप लोगों को दे रही हूँ, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आपको एटलीस्ट हर एक पैटर्न को दो बार प्रैक्टिस करना है। क्योंकि देखिए, कई बार मैंने देखा है लोगों की कंप्लेंट्स रहती हैं, मेरे फ्रेंड्स की भी रहती हैं, कि हम लोग भूल जाते हैं डिज़ाइंस, हमें याद नहीं आते, और इतना बारीक आप लगाते हैं, हम लोग कैसे लगाएं। तो मैं वही तो बोल रही हूँ, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करोगे तभी जाके तो आएगा। जब बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो वो चीज़ आपको याद रखनी, जैसे कि खाना कोई लगा लिया, आप चाय बनाना, आपने एक बार बनाई, दो बार बनाई, वो चीज़ आपको बार बार याद थोड़ी ना रखनी पड़ती है, कितनी चीनी डालनी, कितनी पत्ती डालनी है ना। तो आप लोगों को क्या है, वो चीज़ आप हैबिचुअल हो जाते हो उस चीज़ के। वैसे ही हर एक आर्ट है, जब उसकी आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आपको वो चीज़, मतलब फिर तो अपने आप ही सब कुछ होता रहता है। मतलब जिस चीज़ को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपके पास आइडियाज़ आएंगे। मेरा क्या था कि पहले मैं प्रैक्टिस नहीं करती थी, क्योंकि मैं स्टडीज़ वगैरह में बिज़ी रहती थी, क्योंकि अब मुझे आपको ना ट्यूटोरियल्स देने पड़ते हैं, मैं वीडियोज़ बना ही रही हूं। तो अब क्या है कि मतलब मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है और साथ में किसी की हेल्प हो रही है अगर मेरे ज़रिए, तो आई एम वेरी हैप्पी। तो देखिए, जो हमने वहाँ पे पैटर्न ड्रॉ किया था ना, वह यहीं पे भी ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, अब जैसे मेरा गलत हुआ है तो मैंने उसको रब की, क्योंकि देखिए कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, और ठीक है कोई भी आर्ट होता है, मैं ऐसा कभी भी नहीं बोलूँगी आई एम द परफेक्ट वन, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या है, सीखते रहते हैं, नई नई वेरिएशंस बनाते रहते हैं। तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है, सब कुछ ना कुछ नया नया सीखते ही रहते हैं। तो गलतियाँ सबसे होती हैं, इंसान है यार, गलती तो होगी ही होगी, ठीक है। तो अब मेरे को भी स्टार्टिंग में क्या लगता था, जब मैं ये वीडियोस देखती थी ना यूट्यूब पे, यार ये तो बिल्कुल परफेक्टली ड्रॉ करते हैं, इन लोगों की कभी मिस्टेक्स नहीं होती है, ऑल इन ऑल। लेकिन नहीं, मिस्टेक्स सबके साथ होती हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, अपनी उन मिस्टेक्स से सीखना है और मोटिवेटेड रहना है, और दूसरों को भी मोटिवेट करना है। आई होप गाइस कि ये जो मैं आपको करा रही हूँ, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर मेरी ये वीडियोज़ किसी के लिए 1% भी हेल्पफुल होंगी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।